तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मार्च के मंथ में इंडिया में Redmi Note 11 सीरीज़ को लॉन्च किया गया था, लेकिन अब चाइना में जून के मंथ में Redmi Note 12 सीरीज़ लॉन्च होने वाली है। और इस सीरीज़ के लॉन्च होने का इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि Redmi के नंबर सीरीज़ के स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होते हैं, जिसमें आपको कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर, चार्जर, बैटरी, ये सारे के सारे फीचर्स टॉप लेवल के देखने को मिल जाते हैं, वो भी कम से कम प्राइस के अंदर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi के न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन Redmi Note 12 Pro 5G के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए पहले बात करते हैं इसका कैमरा के बारे में। तो इसके बैक में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलने वाला, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसमें सैमसंग H6 का सेंसर मिलने वाला, जिससे आप 4K 60fps पर वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलने वाला, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ कैमरा, और फ्रंट का कुछ स्मॉल पॉन्चल में 16 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर भी मिलने वाला, जिसे आप 1080p पर 30fps पर वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर पाओगे। ये सेम कैमरा सेंसर आपको पहले Redmi Note 10 और 11 सीरीज में मिल चुका, जो रियली बहुत अच्छा काम करते हैं, बट इसकी एक्चुअल कैमरा क्वालिटी कैसी होगी वो तो इसके लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगी। चलिए अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाले, विथ 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिलने वाला है, और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलने वाली है। डिस्प्ले वाइज कुछ खास चेंजेस नहीं होने वाला है, इसमें आपको सेम टू सेम Redmi Note 11 जैसा ही डिस्प्ले मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इसके चिपसेट के बारे में। इसमें आपको Qualcomm का लेटेस्ट चिपसेट Snapdragon 690 का 5G चिपसेट मिलने वाला है। ये चिपसेट Snapdragon 680 का अपग्रेड वर्जन होने वाला है, और इसका Antutu स्कोर 2,80,000 के ऊपर देखने को मिल जाता है, और ये प्रोसेसर 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ये वेल कैपेबल चिपसेट होने वाला है, जिस पर हाई ग्राफिक्स पे कोई भी गेम वेरी इजिली और स्मूथली खेल पाओगे। इसके बैटरी की बात करते हैं, आपको इसमें 5000mAh की बैटरी मिलने वाली, जिसमें आपको एटलीस्ट 1 day का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा, और इन द बॉक्स आपको 67W का वेरी फास्ट चार्जर भी मिलने वाला, जो इस डिवाइस को 40 से 45 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में, जो आपको ऑलमोस्ट सारे Redmi के डिवाइस में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डुअल स्टीरियो स्पीकर, और 3.5mm ऑडियो जैक, और IP53 की रेटिंग, और IR ब्लास्टर। इस पर Redmi के नंबर सीरीज में आपको फर्स्ट टाइम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में। तो ये फ़ोन पहले जून के मंथ में चाइना में लॉन्च होने वाला है, और साल के लास्ट में अक्टूबर या नवंबर के मंथ में ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है, और इंडिया में इसके 6128 वेरिएंट का प्राइस में भी 16 से 17 हज़ार के बीच हो सकता है।